देखा एज एज और सो एज, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी कभी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव डिग्री में लिखे, पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है उस डिग्री में अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना हो तो वहां पे हम लोग एज एज का यूज करेंगे या सो एज का यूज करेंगे, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जब कभी भी उसी डिग्री में यानी पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव सेंटेंस हमें लिखना हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि वहां पे सो एज का ही यूज किया जाएगा, यानी अफर्मेटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस में एज एज या सो एज दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को सो एज का ही यूज करना है, एज एज का यूज नहीं करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोग पहले से जानते हैं कि मैंने नाउन क्लियर किया आपके लिए, प्रोनाउन क्लियर किया, और अब ये वीडियो लेक्चर मेरा एडजेक्टिव क्लास के एडजेक्टिव सीरीज में चल रहा है, जिस पर मैं ऑलरेडी दो वीडियो लेक्चर आपको पहले से ही दे चुका हूं, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा और आप वहां से जाकर उसे वहां से देख सकते हैं, और जो आई बटन पे ना जाना चाहे उनके लिए मैं वो वीडियो लेक्चर इंड स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आज डिग्री क्लियर करने वाला हूं। डिग्रियां क्या होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा और उनको किस प्रकार से बनाया जाता है ये बताऊंगा, यानी कि जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है इसको बताऊंगा मैं, कंपैरेटिव डिग्री होती है इसको बताऊंगा, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है इसको बताऊंगा। यानी कि तीनों डिग्रियां क्या होती हैं, कहां कहां यूज की जाती है ये चीज मैं आज बताने वाला हूं, और साथ ही साथ इन डिग्रियों को किस प्रकार से बनाया जाए, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव किस प्रकार से बनाया जाए या पॉजिटिव से सुपरलेटिव किस प्रकार से बनाया जाए, कौन कौन से वर्ड होते हैं जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव सेम चले जाते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदल के जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ये वीडियो लेक्चर बहुत ही डिटेल में आपके लिए बनाया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षा संबंधित हेल्पफुल कंटेंट हमेशा मिलते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चले चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास आज कौन कौन सी एडजेक्टिव के रूल आते हैं। एडजेक्टिव पे कुल तीन डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव की डिग्री, एडजेक्टिव कुल तीन डिग्री होती है। एडजेक्टिव की पहली डिग्री होती है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, दूसरी हमारे पास होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी हमारे पास होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो आज हम इन तीनों डिग्रियों के बारे में विस्तार से और डिटेल से जानेंगे कि तीनों डिग्रियां होती क्या है, और पॉजिटिव से कंपैरेटिव अगर बनाना हो तो क्या करना पड़ता है, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना हो तो क्या करना पड़ता है। तो इन तीनों डिग्रियों के नाम लिख लीजिए, उसके बाद फिर एक एक डिग्री को हम लोग डिटेल में जानने के चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, जिसका मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर में दे चुका हूं, उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री उस डिग्री को कहते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति के गुण या दोषों की तुलना बताया जाता है, कि गुण या दोषों को उसमें बताया जाता है, उसी डिग्री को हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एडजेक्टिव की वही डिग्री हमारी पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का जो डेफिनेशन होती है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु या पदार्थ के समान गुण अवस्था आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है, मतलब किसी एक व्यक्ति के गुण या किसी एक वस्तु के गुण या किसी एक पदार्थ के गुण अवस्था इन सब का बोध कराने के लिए किया जाता है, तब वहां पे हम लोगों को जो डिग्री मिलती है जो एडजेक्टिव मिलता है वो एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव डिग्री में होता है। और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम लोग हमेशा एज एज, यानी डिग्री उस एडजेक्टिव के पहले हम लोगों को एज मिलेगा बाद में एज मिलेगा, या फिर उसके पहले हमें सो मिलेगा और बाद में एज मिलेगा, एज एज या सो एज के बीच में रखा जाता है। एज के बाद यानी एज लगाने के बाद जो बाद वाला एज होगा ये वाला, इसके लगाने के बाद हम लोगों को नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन प्रयोग होता है, जो प्रोनाउन का जो यूज करते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। इसको इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को लेकर आपको मैं दिखा देता हूं कैसे होता है। जैसे देख लीजिए कि इसका जो पॉजिटिव डिग्री का होता है, जिसे यहां पे कहा गया कि राम इज अ गुड बॉय, यहां देखिए राम की विशेषता बताइए, राम इज ए गुड बॉय, या फिर कहा गया कि शीना इज अ गुड स्टूडेंट, यहां पे शीना की और कोई भी क्वालिटी लिख सकते थे, ब्राइट लिख सकते थे, इंटेलिजेंट लिख सकते थे। तो यहां पे आप ये देख के सोच रहे होंगे कि सर तो भी बताए थे कि एज एज का यूज होता है, सो एज का यूज होता है, तो एज एज का भी यूज करके देख लेते हैं और सो एज का भी यूज करके देख लेते हैं। जैसे हो गया हमारे पास कि राम
इज एज टॉल एज रवि। यहां पे देखिए कि एज के बाद हम लोग नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन रखेंगे चाहे नाउन रखेंगे। यहां पे नॉमिनेटिव केस हमने यूज किया कि राम इज एज टॉल एज रवि। यहां देखिए कि टॉल जो है ये दो एज के बीच में रखा हुआ है, या फिर इसको हो जाएगा कि रवि इज नॉट सो टॉल एज राम। यहां देखिए कि सो और एज के बीच में ये एडजेक्टिव का यूज किया गया है। क्लियर, उम्मीद है कि इस एग्जांपल की सहायता से वो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद अगली डिग्री की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं कि आप लोगों ने देखा एज एज और सो एज। तो यहां पे ध्यान रखिए कि जब भी कभी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव डिग्री में लिखे, पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है उस डिग्री में अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना हो तो वहां पे हम लोग एज एज का यूज करेंगे या सो एज का यूज करेंगे। दोनों में से कोई भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जब कभी भी उसी डिग्री में यानी पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव सेंटेंस हमें लिखना हो तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि वहां पे सो एज का ही यूज किया जाएगा। यानी अफर्मेटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस में एज एज या सो एज दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को सो एज का ही यूज करना है, एज एज का यूज नहीं करना है। क्लियर, अब चलते हैं अपनी कंपैरेटिव डिग्री की तरफ हम लोग। तो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि कंपैरेटिव डिग्री हमें वहां पे मिलती है जहां पे दो नाउन के बीच में उनके गुण या दोषों की तुलना की जा रही होगी। इसको मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया था, तो वहां जाके आप इसे एकदम से क्लियर कर सकते हैं। और यहां डिटेल में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं या पदार्थों के गुण या दोषों की तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इनके गुण या दोषों के बीच में तुलना की जा रही हो, तो वहां पे एडजेक्टिव जो मिलेगा वो हमें कंपैरेटिव डिग्री में मिलेगा। और एक बात ये ध्यान रखिए कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जब भी आप यूज करेंगे उसके बाद सेंटेंस में आपको दैन का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में आपने दैन का प्रयोग नहीं किया है तो वहां पे मान के चलिए कि सेंटेंस वहां पे गलत मान लिया जाएगा कि आपने कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन का यूज नहीं किया, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद दैन का प्रयोग किया जाता है, आवश्यक है। और दैन के बाद हम लोगों को नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। लेकिन किस कंडीशन में होता है? यदि सब्जेक्ट के बाद इंट्रास्टिव वर्ब का प्रयोग हो रहा है, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यदि इंट्रास्टिव वर्ब का प्रयोग हो रहा है तब दैन के बाद हम लोगों को नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज करना रहता है। क्लियर, तो चलिए इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझा लेता हूं मैं आपको। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल इसके क्या होंगे। एग्जाम्पल जैसे हो गया कि मुकेश इज बेटर देन यू। यहां पे देखिए कि बेटर ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद हम लोगों को देन का प्रयोग करना है। अगर बाई चांस देन का प्रयोग छूट गया तो ये सेंटेंस यहीं पर गलत मान लिया जाएगा, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोगों को देन का यूज करना आवश्यक होता है। या फिर हम लोगों को और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि ही इज टॉलर देन आई। यहां भी देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया गया। क्लियर, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमेरिका इज रिचर देन नेपाल। यहां पे भी देख लीजिए कि रिचर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, इसके बाद हम लोगों ने देन का यूज किया। तो उम्मीद है कि ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखा है उसे समझने में आपको एग्जांपल सहायक होंगे। तो चलिए ये नोट कर लीजिए। अब यहां पे तो हो गई तुलनात्मक अवस्था, यानी दो नाउन के बीच के गुण या दोषों की तुलना करने के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में दैन का यूज करते हैं। ये चीज आपको मैंने बताई, आपने समझ ली। लेकिन कहीं पर ऐसा सेंटेंस अगर आ जाता है कि आप लोग आपको चुनाव करना हो, यानी किसी दो लोगों के बीच में से अच्छे का चुनाव करना हो, तो वहां गुण दोषों की तुलना करके एक को तो बता दिया गया, लेकिन वहां पे चुनाव करने वाला अगर सेंटेंस आ जाए तो चुनाव करने वाले सेंटेंस में यानी सिलेक्शन करने वाले सेंटेंस में आपको किस प्रकार से सेंटेंस का यूज करना रहता है ये आप देख लीजिए। यहां पे आप लोग सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यूज कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड।
कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद मैंने आपको बताया देन का प्रयोग, लेकिन देन का प्रयोग यहां पे आपको नहीं करना है, यहां पे करना है ऑफ द टू का प्रयोग, यहां पे ऑफ द टू का प्रयोग करना है। और उसके बाद हम लोगों को जो यहां पे जिनके बीच से सिलेक्शन करना होगा, एक दो तीन जो भी वर्ड होंगे, जो भी लोग होंगे, जो भी नाउन होंगे, जिनकी संख्या होगी वो लिख देनी, यानी कि प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा हमारा वो करना होगा यहां पे। इसे एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि जैसे हो जाएगा हमारे पास कि शी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, सी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, याद है कि देन का प्रयोग हमने नहीं किया क्योंकि यहां सिलेक्शन भाव व्यक्त हो रहा था, और जहां कभी कहीं पर सिलेक्शन का भाव व्यक्त हो, यानी चुनाव का भाव व्यक्त हो, वहां पर आप लोगों को देन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हो गया हमारे पास एक ही वॉज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, यहां पर भी देख लीजिए कि मोर इंटेलिजेंट एक कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद हम लोगों ने देन का प्रयोग नहीं किया, ऑफ द टू का प्रयोग किया है क्योंकि यहां पे सिलेक्शन मिल रहा था। क्लियर, उम्मीद है कि कहीं सिलेक्शन वाले सेंटर अगर आपको मिल जाते हैं तो आप इस प्रकार से उसको आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए, फिर इसके हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की तरफ चलते हैं। तो अगला भाग हम लोगों को मिल जाता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में अपने जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री हमें एडजेक्टिव की वहां पे मिलती है जहां पे किसी एक व्यक्ति के या एक वस्तु के गुण या दोषों की तुलना उसी के वर्ग के अनेक लोगों से, अनेक व्यक्तियों से, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं से की जा रही होगी, वहां पे हम लोगों को जो एडजेक्टिव की डिग्री मिलेगी वो सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी। उसी के संबंध में डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लीजिए कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करने के लिए तथा या फिर हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी मतलब क्वालिटी की सबसे उच्च डिग्री को व्यक्त करने के लिए हो रहा हो, तब वहां पे एडजेक्टिव हमें सुपरलेटिव डिग्री में मिलता है। जैसे यहां पे एग्जांपल ले लिया कि रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली, यानी कि रानी के गुण की तुलना उसके पूरे परिवार से की जा रही है। तो यहां पे देखिए कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज किया गया है, और यहां पे ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव की जब भी सुपरलेटिव डिग्री आप कहीं पर भी यूज कर रहे हो तो आप बेहिचक सुपरलेटिव डिग्री के पहले इस द आर्टिकल का यूज कीजिए। अगर यहां पे आपने द आर्टिकल ने बताया था, कंपैरेटिव के बाद देन का यूज करना जरूरी है, उसी तरह जो सुपरलेटिव डिग्री कहीं पर भी यूज हो रही हो तो वहां आप में वहां पर आप द का यूज कीजिए, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो यहां देखिए रानी के जो गुड़िया दोषों की तुलना, गुण की तुलना उसके पूरे परिवार के साथ की जा रही है, तो यहां देखिए एक व्यक्ति के गुण की तुलना कई सारे व्यक्तियों से की जा रही है, तब वहां पे हमें सुपरलेटिव डिग्री मिलेगा। और यहां आनी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री आपको दिखाई देगी, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जिस एग्जांपल है रूपकांत बाबू इज द ओल्डेस्ट मैन इन विलेज, यहां देखिए कि रूपकांत बाबू के बुढ़ापे की तुलना, इनके बड़े होने की तुलना उस पूरे गांव के व्यक्तियों से की जा रही है। तो यहां पे देखिए कि ये ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट का यूज किया गया, ओल्डेस्ट के पहले हम लोगों ने दा का यूज किया। क्लियर, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों की तुलना उसी वर्ग या उसी समूह के अनेक व्यक्तियों से या वस्तुओं से जब की जा रही हो तब वहां पे हमें एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना रहेगा। क्लियर, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग ये जान चुके हैं कि पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ यूज की जाती है, सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज की जाती है, ये तीनों चीजें अब हम लोगों को एकदम से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों के पास जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव किस प्रकार से बनाया जा सकता है या पॉजिटिव से सुपरलेटिव किस प्रकार से बनाया जा सकता है,
ऐसे सेंटेंस को, मतलब ऐसे वर्ड को किस प्रकार से दूसरे डिग्री ऑफ डिग्री में चेंज किया जा सकता है, वो रूल अब हम लोग जान लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे डिग्रियों में जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड आया वॉइस, एडजेक्टिव हो गया, इसका जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम लोग हो जाएगा हमारे पास वाइजर, और फिर इसका जो सुपरलेटिव बनाएंगे तो वाइजेस्ट हो जाएगा। या फिर हमारे पास आ गया बिग, इसके बाद हम लोगों को बिगर हो गया, या फिर हमारे पास आ गया बिगेस्ट, या फिर हमारे पास आ गया कि ब्यूटीफुल, तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वो हमारा बनेगा मोर ब्यूटीफुल, या फिर बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका सुपरलेटिव डिग्री। या फिर हमारे पास आ गया गुड, ये हो गया इसका बेटर, और ये हो गया बेस्ट। ये मैं आपको क्यों लिखा रहा हूं, यहां पे आप लोग एक चीज ध्यान देके देखिए, यहां पे वाइज, इसके साथ हम लोगों ने वाइजर या आर जोड़ दिया, और ये वाइजेस्ट एसटी जोड़ दिया, और ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में वर्ड तैयार हो गया। यहां पे वही भी यहां देख लीजिए कि बिगर, यहां पे देखिए बिगर, बिग को जब कंपैरेटिव में बदला तो जी डबल हो गया, बिगर हो गया, और यहां पे भी ईएसटी आखिरी में जोड़ना पड़ा, यहां पे केवल एसटी जोड़ना पड़ा था, यहां पे ईएसटी जोड़ना पड़ा। उसी तरह अगले वर्ड में देख लीजिए कि ब्यूटीफुल था, इसकी कंपैरेटिव में मोर लगा के बनानी पड़ी, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा के बनानी पड़ी। या फिर चौथा वर्ड आप देखिए कि इसमें गुड लिखा है, और इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री जस्ट इसके बिल्कुल अलग है, इससे कोई रिलेटिव है ही नहीं, जिसे इसमें रिलेटिव थी, इसमें बिल्कुल गुड का बेटर बन गया है, और सुपरलेटिव जो है बेटर का भी अलग बना है, बेस्ट बना है। क्लियर? तो यहां पे इसी देख लीजिए कि आपको चार प्रकार के कंपैरेटिव सुपरलेटिव देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग जो रूल यूज करने वाले हैं वो ऐसे यूज करने वाले हैं कि इसमें कहां कहां कैसे कैसे सेंटेंस में जो हम लोगों को जो वर्ड है वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। तो पहले चलते हैं अपने पहले रूल की तरफ। तो पहले रूल के अनुसार हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड होता है सामान्यतः उसके अंत में हम लोग ईआर जोड़ देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, और ईएसटी जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव वर्ड के आखिरी में हमें ई दिखाई दे जाए, आखिरी में ई लिखा मिल रहा है, तो वहां पे हम लोग केवल आर जोड़ देंगे तो हमें वर्ड कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और एसटी जोड़ देंगे तो हमें वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल जो भी पहले लिया था उसी को ले लेते हैं कि देखिए वाइज, वाइज के आखिरी में आपको ई दिखाई दे रहा है, तो इसको जब कंपैरेटिव बनाना होगा तो इसका हमें केवल आर जोड़ देना रहेगा वाइजर, और इसकी सुपरलेटिव हमें केवल एसटी जोड़कर मिल जाएगी वाइजेस्ट। एक और एग्जांपल लिया वाइट, इसमें आखिरी देखिए कि ई लगा हुआ है, और यहां पर इसके बाद हम लोगों को इसकी कंपैरेटिव डिग्री केवल आर लगाने से ही बन जाएगी वाइटर, और यहां पे इसकी सुपरलेटिव डिग्री हमें केवल एसटी लगाने से बन सकती है वाइटेस्ट। क्लियर? तो यहां पे एक चीज आप ये जान चुके होंगे कि जैसे आपको आखिरी में ई दिखाई दे रहा है तो केवल आर लगाइए कंपैरेटिव बन जाएगा, और एसटी लगाइए तो आपको सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया और फाइन, इसके साथ हम लोगों ने आर जोड़ दिया फाइनर, और इसके साथ एसटी जोड़ दिया फाइनेस्ट। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले नियमानुसार हम देखते हैं कि यदि कोई एडजेक्टिव ऐसा मिल जाए जिसके अंत में हमें कॉन्सोनेंट मिल रहा हो और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल आ रहा हो, वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, इन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आ रहा हो आखिरी में, उस वॉवेल के बाद कोई एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो, कॉन्सोनेंट के बाद वर्ड खत्म हो जाए, तो वहां पर जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो अंत वाले जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम लोग डबल कर देंगे और ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे और ई एस टी जोड़कर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बना लेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया बिग, जैसे अभी लिया था बिग, तो यहां पे देखिए कि ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले आई आ रहा है, नहीं वोवेल आ रहा है, इसकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनेगी तो बिग को हम लोग जी को डबल कर लेंगे और इसके साथ ई आर जोड़ देंगे तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और इसी तरह हम इसकी डबल जी को लेकर यहां चले आएंगे और ई एस टी जोड़ देंगे तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में बन जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लिया कि सैड, यहां देखिए कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक वॉवेल है, तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा सैडर,
और इसकी सुपरलेटिव डिग्री जब बनेगी तो कुछ ऐसे बन जाएगी, सैडेस्ट, क्लियर। या फिर हमने ले लिया रेड, डी के पहले देखिए वॉवेल आ रहा है, तो इसको जब कंपरेटिव बनाएंगे तो हमारे पास जाएगा रेडन, या फिर इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी रेडेस्ट, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर अंत में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल है तो कंपरेटिव बनाते समय उसे हम लोग उस आखिरी के कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और अंत में ER जोड़कर कंपरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव बना लेंगे, क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अगले नियमानुसार में देखते हैं कि यदि किसी एडजेक्टिव वर्ड के आखिरी में हमको वाई मिल रहा है तो वाई जैसे मिले आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि वाई के पहले या तो कोई कॉन्सोनेंट आएगा या तो वाई के पहले कोई वॉवेल आएगा। अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आपको मिल रहा है तो आप वहां पर वाई को हटा दीजिए और कंपरेटिव बनाने के लिए IER को जोड़ दीजिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए वाई को हटा के IEST जोड़ दीजिए और वर्ड वहां पे हमारा कंपरेटिव सुपरलेटिव में बन जाएगा। परंतु अगर वाई के पहले आपको कोई वॉवेल नजर आ रहा है यानी AEIOUE के पहले कोई एक वर्ड नजर आ रहा है तो वहां पे उन वाई को आपको नहीं हटाना है, वाई के बाद आपको ER जोड़कर उसका कंपरेटिव बना लेना है और EST जोड़कर आपको उसका सुपरलेटिव बना लेना है। कैसे बना लेना है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे आपको कहा गया यहाँ पे इजी, एक वर्ड दे दी क्या इजी, यहां देखिए वाई आया, वाई के पहले एक हमें कॉन्सोनेंट मिल रहा है इसीलिए वाई को हम यहां हटा देंगे और इसकी जगह पे हम लोग IER जोड़कर इसका कंपरेटिव बना लेंगे और वाई को हटा ही रहने देंगे और इसकी जगह पे हम लोग IEST जोड़कर इसका सुपरलेटिव बना लेंगे, क्लियर। या फिर एक वर्ड हम और ले लेते हैं लेजी, यहां देखिए लेजी के पहले जे वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया तो यहां पर भी वाई को हम लोग हटा देंगे और क्या बनेंगे IER जोड़कर इसका कंपरेटिव बना लेंगे और IEST जोड़कर इसका सुपरलेटिव बना लेंगे। परंतु मैंने क्या बताया, Y के पहले अगर कोई वॉवेल आ रहा हो तब आप क्या करेंगे, Y के पहले जैसे कोई वॉवेल आया गे आया, गे माने होता है प्रसन्न, तो गे आया और यहां Y के पहले A दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे इसको Y को हटाएंगे नहीं केवल ER जोड़ेंगे और उसका कंपरेटिव बन जाएगा या फिर सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ देंगे और इसका सुपरलेटिव बन जाएगा। या फिर हो गया हमारे पास ग्रे, तो ग्रे देखिए वाई के पहले ए आ रहा है तो यहां पे देखिए ग्रे के साथ हम लोग ER जोड़ देंगे तो ये हमारा कंपरेटिव बन जाएगा और EST जोड़ देंगे तो ये हमारा सुपरलेटिव बन जाएगा, क्लियर। उम्मीद है चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके हम अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट कुछ वर्ड्स ऐसे आपके सामने आ जाते जिसे मैंने आपके लिए लिख रखा है, कुछ वर्ड्स ऐसे आपके सामने आ जाते हैं कि जिनको आप ऐसे ही याद रखें, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता इनका, कोई स्पेशल रूल नहीं होता कि इनको कोई रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनका आपका पॉजिटिव कुछ दूसरा, कंपरेटिव कुछ दूसरा और सुपरलेटिव कुछ दूसरा होता है, तो ये कुछ वर्ड ऐसे ही आते हैं, इनको ऐसे ही आपको याद रखना है, कोई रूल के अंतर्गत इनको नहीं याद रखा जाता। आ गया एविल, एविल का भी जो होगा कंपरेटिव वर्स्ट होगा और वर्स्ट होगा इसका सुपरलेटिव, क्लियर। तो ये कुछ ऐसे ही वर्ड है, इनको कोई रूल के अंतर्गत आपको नहीं याद रखना। कुछ वर्ड आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके आखिरी में आपको ER ना जोड़कर उसके पहले, यानी कि आपके आपको आखिरी में वर्ड ना जोड़कर उसके पहले वर्ड जोड़कर आपको वहां पे उसका कंपरेटिव और सुपरलेटिव बनाना रहता है। ऐसे वर्ड को जब भी आप कंपरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि मच की कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म यूज करेंगे आप, मच मोर मोस्ट। ऐसे वर्ड को जब भी आप कंपरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे वहां पे मच मोर मोस्ट का ही, मैंने मोर और मोस्ट का ही यूज करें कंपरेटिव बनाने के लिए। जैसे आपको कहा गया ब्यूटीफुल, एक वर्ड दे दिया हमने ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुलर वर्ड ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए इसके साथ हम लोगों ने मोर का यूज करके इसे कंपरेटिव बनाना है, मोर, और इसका सुपरलेटिव हमें मोस्ट का यूज करके बनाना है। इसमें कोई इसका रूल नहीं होता, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको ER या EST लगाने से वो उनकी जो बनावट होती है, उनकी सुंदरता होती है वो बिगड़ जाती है, इसीलिए उन वर्ड्स के साथ हम लोगों को पहले मोर या मोस्ट का यूज करके उनकी कंपरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए बताया गया है। उसमें और कोई इसका स्पेशल रूल नहीं है कि इसमें किन किन वर्ड के साथ, जैसे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ ER और EST आप नहीं लगा सकते वहीं पर आप मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे आपको आ गया, आपके सामने एक वर्ड आ गया डिफिकल्ट,
अब यहां पे इसे आप डिफिकल्टर लिखेंगे तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, तो इसके लिए इसको यहां पे कंपैरेटिव मोर डिफिकल्ट कर दिया गया है और इसका सुपरलेटिव मोस्ट डिफिकल्ट कर दिया गया है। क्लियर? तो कुछ ऐसे वर्ड आपके सामने आते हैं जिनको आप ईआर या ईएसटी लगा के आप लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, तो उनको मोर या मोस्ट लगा के बनाया जाता है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको ये आप अलग अलग आते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, इनको आपको याद करना ही सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो डिग्री बनाना बताया है वो डिग्री बनाना आपने सीख लिया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा, और साथ ही साथ जो पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ कहाँ यूज की जाती है इसका भी प्रयोग आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपने कुछ भी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं जो एडजेक्टिव की क्लास चला रहा हूँ इसमें और भी अभी दो तीन वीडियो लेक्चर आने बाकी जिसमें एडजेक्टिव के बारे में आपको मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बगल में लगे घंटे को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले यानी आधा घंटा पहले आपको मिल जाए और आप उसे समय पर वॉच कर सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।